नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। साईजी होटल ग्रुप की दस्तक रीवा में, एनराइज में वह सब कुछ जिसकी जरूरत थी रीवा में। टूरिस्टों के लिए तमाम सुविधाओं के साथ हुआ प्रारंभ। जबलपुर बनारस के बीच बेहतर होटल सुविधा के लिए रीवा को मिली नई सौगात। कक्षा 6 के छात्र ने कमरे के दरवाजे दोनों तरफ से बंद करके लगाई फांसी। 12 साल के मासूम की भी मौत। परिवार चौरटा थाना अंतर्गत नई बस्ती मरहा का रहने वाला था। कक्षा 12वीं की छात्रा ने माँ से मोबाइल मांगा, माँ ने पैसे न होने की बात कहकर मना कर दिया, जिस पर लड़की ने घर पर रखी चूहा मार दवा खाई और गंभीर हालत में उसे संजय गांधी लाया गया, जहाँ पर उसकी हालत बेहतर। ओबीसी महासभा ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग की, सरकार पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। सामान्य वर्ग को 10% के बाद ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग। कलेक्ट्रेट के जिला पंचायत वाले गेट पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया, तहसीलदार सहित पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।